जय श्री महाकाल दोस्तों। जय श्री महाकाल सबसे पहले इसलिए क्योंकि आज ये अपनी महाशिवरात्रि शिव जी की लव मैरिज, तो आज उसके उपलक्ष्य में जा रहे हैं। ये काम करते पहले थोड़ा सा मैं आगे तो ट्रैक्टर को क्रॉस करता हूँ, बस वाले को बहुत जल्दी है। मैं बात कर रहा था कि मैं अभी जस्ट जा रहा हूँ महाकाल मंदिर, तो महाकाल मंदिर में सबसे पहले तो मैं अंदर जाने की कोशिश देखते हैं अपन क्या होता है, फिर तो भीड़ देखेंगे क्या होता है, ज़्यादा होगी तो नहीं जाएंगे, और अगर लगा कि हाँ ठीक है जा सकते हैं इतनी दूर आए हैं तो, क्योंकि लोग भी इतनी दूर दूर से आ रहे हैं तो वो भी जा ही रहे हैं। गवर्नमेंट दावा कर रही है कि 40 मिनट में दर्शन हो जाएंगे, भाई 40 मिनट दर्शन हो जाते हैं तो आपको भी करवाइए अगर मोबाइल ले जाने दिया तो। सीधे अपन चलते हैं अब यहाँ से कहाँ, महाकाल। गाड़ियाँ बिक रही है सुजुकी की, इतनी गाड़ियाँ बिक रही है हमारे उज्जैन में, शायद मैंने ब्लॉग डाल दिया होगा उसका, अपने विक्रम व्यापार मेला का, पता नहीं मुझे तो पता ना। देखो हरियाली बाट है, जहाँ देखो वहाँ सब दो बाबा, महाकाल की नगरी में तो एकदम मजे ही मजे हैं। कहीं पे जाओ तो लस्सी मिल जाती है, कहीं पे जाओ तो छाछ मिल जाएगी, कहीं जाओ तो ठंडा पानी मिलेगा, कहीं जाओ तो हरियाली मिल जाएगी। बाबा महाकाल की नगरी में मजे ही मजे हैं। तो मैं सीधा मिलता हूँ आपको महाकाल मंदिर, ठीक है कंफ्यूजन इस बात का हो रहा है कि मैं जा रहा हूँ हरी फाटक साइड से और इधर से मेरे को चलना पड़ेगा काफ़ी पैदल, तो सोच रहा हूँ करकराज पार्किंग जाऊँ कि हरी फाटक पार्किंग लूँ, कहाँ वाली पार्किंग। आ गए हैं महाकाल बाबा की गली तक, बस यहाँ से कुछ पलों की दूरी के बाद महाकाल बाबा के दर्शन हो जाएंगे। भीड़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या क्रेज़ है महाकाल बाबा की शादी अटेंड करने का लोगों में, तो ये भी जा रहा है अटेंड करने शादी। अरे रे रे रे, भीड़ तो ना नेक्स्ट लेवल है, खतरनाक सा ट्रैफिक लग गया बिल्कुल। वाहन दस्ता पे आ गया, अपने को ब्लॉक करना है तो अपने को साइड में होना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा बिल्कुल। अपना ऑटोमेटिक सिस्टम लगा लिया ताकि ब्लॉक कर सके, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने लिए, ताकि ये जगह नहीं दिखाऊंगा तो फिर क्या दिखाऊंगा मैं आपको, तो इसलिए मैंने अपना ऑटोमेटिक सिस्टम लगा लिया। अब उधर आगे भीड़ चलती रहेगी, अपनी गाड़ी भी चलती रहेगी एक हाथ से बिना रेस के, तो पता है पुलिस भी यहीं पर है और ख़तरनाक जाम है यार। मैं कितनी देर हो गई मेरे को, कम से कम 5 मिनट से ज़्यादा यहीं पर हो गया, चलना ही मुश्किल हो रहा है बिल्कुल। माइक भी लेके आया, मैं जेब में ही रखा है वो निकालू कहाँ। चलो आगे और भीड़ देखते हैं, फिर चल रहे हैं धक्का प्लेट बिल्कुल गाड़ियाँ हिल नहीं रही है, कुछ नहीं हो रहा है। ये अगर सिस्टम नहीं होता मेरे पास तो मैं भी यहाँ व्लॉग कर ही नहीं पाता। ये तो VIP को निकलने के लिए बिल्कुल पार्किंग में भी नहीं जाने दिया, यहीं पर यहाँ पलटा के गाड़ी पे खड़ा हूँ। VIP निकल रहा है कोई, तो उसके लिए अंदर पार्किंग का सुविधा है, अंदर VIP निकल जाओगी उसके बाद ही। तो उधर भी सब लोग रोक दिया, इधर भी रोक दिया, कौन है अंदर मालूम। तो आप कुछ समझ में नहीं आ रहा किधर से जाए कहाँ क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो बहुत भयंकर भीड़ है यार, जिधर देखो वाला उधर गया तो उधर तो बिल्कुल जाने के VIP पार्किंग थी और समझ में नहीं आ रहा था किधर से निकला जाए। इधर शायद मेरे को टेंट वेंट लगने दिख रहे हैं तो इधर ही होगा, उधर वो वाली जो पार्किंग अपन हमेशा जाते हैं वो वाली शायद बंद रखी है, उधर भी जाने देंगे कि नहीं, करकराज वाली में जाना है कहाँ जाना है कुछ समझ नहीं यार। भैया बहुत भयंकर यार, इधर तो मतलब खतरनाक है, कोई सी पार्किंग है तो उधर जा रहा हूँ, पता नहीं इधर ये भी के नहीं पार्किंग, क्या मालूम किधर तक जाना रहेगा। जब जो अनुमान लगाते हैं ना यहाँ का आने का वो, ओ भाई साहब मेला हो गया बिल्कुल, मेला खतरनाक वाला, कहाँ बिल्कुल अंदर जाना तो बहुत मुश्किल है, कहाँ से जाएगा कोई भी। अगर अब गाड़ी से आया तो फिर तो उसके लिए गाड़ी लगाना ही सबसे बड़ा टास्क है सबसे पहले, तो जुगाड़ ना होना तो मैं इधर ब्लॉगिंग तो क्या मोबाइल भी नहीं निकाल पाऊँ हाथ में से।
इतना खतरनाक सिस्टम है ये, जो अपना जुगाड़ चल रहा है इसकी वजह से गाड़ी नहीं जाएगी क्या? ओहो, इधर भी गाड़ी नहीं जा सकती। बंदा गाड़ी लेने जा लेके जाने वाला जाएगा क्या? दर्शनार्थियों का स्वागत। ओ भाई सब कर रहे हो पर बंदा जाए तो जाए कहाँ से? वो वहाँ पर बिल्कुल गाड़ी अंदर नहीं जा सकती, वो तो पता नहीं कैसे लेके जा रहा है। कहीं से गलिया गली में घुसा घुसी करके कहीं से निकल के आया हूँ। अभी इधर से मैं कहीं जा सकता हूँ नहीं जा सकता मेरे को ही नहीं मालूम। देखते हैं जहाँ पहुँच रहा हूँ वहीं जाके बताता हूँ। हरधाम मंदिर तक तो पहुँच ही गया हूँ, मतलब लगभग मैं सही पहुँच गया हूँ। इधर ही तो मेरे को पार्किंग मिल सकती है, हमेशा इधर ही रहती है पार्किंग। अगर नहीं भी होगी तो इधर कहीं भी लगा देंगे गाड़ी। क्या है वहाँ ये सबसे बड़ा जो बेकार जो सिस्टम है ना, ये VIP पास वाला, इस चीज़ के लिए तो ना बिल्कुल क्या ही बोला जाए। सभी VIP को दर्शन देना है, अगर इनको ही वो करना है तो फिर रखा ही क्यों, मंदिर VIP को दे दो ना, चलाते ही क्यों मंदिर, दर्शन ही देना। तो वैसे मैं जाता नहीं हूँ कहीं भी, और फिर भी मैंने कहा चलो आज शिवरात्रि है तो चलो भगवान से थोड़ा बहुत तो कुछ करके आएंगे। इधर भी कुछ नहीं यार, हद है सब जूर की। देखेंगे इधर कहीं कुछ मिलेगा तो इधर जाके पलट के आऊँगा वापस कहीं से। अभी ये कुछ जगह है जहाँ से कुछ दिया है एंट्री। ये कौन सी जगह है? मैं खुद आज पहली बार आया हूँ। इधर कर्कराज मंदिर साइड है कोई सी जगह है। तो भाई इतनी दूर से तो बहुत बहुत भयंकर हो गया यार। उधर से जानवर कैसे जाएगा कोई? अरे बाप रे बाप यार, मेरी गाड़ी भी ऐसी जगह पार्किंग करी है बिल्कुल कोई सेफ्टी वगैरह। मैं तो शायद ही जाऊँ उस जगह पर, देख के रहा हूँ मैं क्या कैसे एंट्री दी जा रही है। बाहर दे मर जाया इतनी दूर जाते जाते ही बेचारा, ना कोई सुविधा ना कुछ। और ये मंदिर तो मैं खुद आज पहली बार देख रहा हूँ भैया। इधर आके मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ये भी कोई जगह है उधर महाकाल साइड। कैसे कोई नया बंदा यहाँ पर इतनी दूर से कोई आएगा तो कैसे पार्किंग के पास पहुँचेगा? पार्किंग मैं नहीं जानता ये कौन सी जगह है भैया। मैं वापस आऊँगा इस जगह और फिर आके वापस देखूँगा। और गलती से जो बंदा चप्पल ऊपर लेके जा रहा है उधर उधर फेंकना ही, उसको चप्पल वापस जूते मिलने नहीं है। जो गाड़ी इधर उधर फेंक के जा रहे हैं उनको भी नहीं मिलना कुछ भी। देखो खतरनाक भीड़ है यार सब दूर जहाँ देखो वहाँ खतरनाक। तो आज अपन तो नहीं जा रहे हैं, अपन किसी अगले ब्लॉग में जाएंगे। महाकाल अपने को माफ़ करे क्योंकि मेरे तो बस की नहीं है भैया इस ऐसे माहौल में जाने की, तो क्योंकि यहाँ पर हमेशा व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है, हमेशा व्यवस्था बिगड़ जाती है क्योंकि आ ही नहीं जाता किसी से पहली बात तो, और आ ही आ भी जाएगा उसके बाद उसका कोई कहाँ मिलेगा उसका गरीब बंदा को जहाँ से बार भी घूम जाता। जूता चप्पल जूता स्टैंड पर ही उतारे, जूता चप्पल पहन के मस्जिद जाने की प्रयास क्या करें, कृपया ध्यान दें। सभी भक्तों से विनम्र आग्रह है कि जूता चप्पल पहन के मस्जिद जाने में प्रयास न करें। जूता चप्पल फिर समाज धर्मशाला के अंदर है, जूता स्टैंड आगे नहीं है, कतार तक चले। भैया इसके आगे अपने जाने पॉसिबल नहीं अपने से, तो अपन इसके बाद कभी और कभी जाएंगे। उससे ज़्यादा तो मेरी हिम्मत नहीं, इतनी तो भीड़ है यार, इतनी भीड़ भयंकर वाली, इतनी भीड़ उसकी हद नहीं है। तो देखो आप बहुत खतरनाक वाली भीड़ है।